वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, मैं हूं आपका फ्रेंड अनुज। तो गाइस, आज हम आए हैं थाई एयरवेज में, यहां की फूड रिव्यू करेंगे। थाई एयरवेज का अपनी फूड सर्विस के लिए बहुत माना गया है थाई एयरवेज, वेरी गुड फूड दे आर प्रोवाइडिंग। हाँ, ये भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ गाइस कि हमारी जो थाईलैंड की फूड जर्नी है वो भी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो बहुत ही जल्दी गाइस मैं आपको थाईलैंड के स्ट्रीट फूड भी दिखाऊंगा और टेस्ट करके बताऊंगा आपको, और स्पेशली इंडियंस के लिए जो जहाँ पे वो इंडियन रेस्टोरेंट्स में जाके खा सकते हैं। हम अभी अपनी प्लेन की जर्नी शुरू करते हैं, 4 घंटे लगेंगे हमको यहाँ पे कम से कम थाईलैंड पहुँचने में, बैंकॉक पहुँचने में। तो तब तक गाइस मैं चलता हूँ अपनी सीट पर और फिर आपसे मिलते हैं, और जैसे ही इनकी फूड की सर्विस शुरू होगी तो मैं आपको इनकी फूड के दिखाऊंगा क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, कौन कौन सी ड्रिंक्स को आप यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो लेट्स गो। जैसे आप देख सकते हैं मेरा सीट नंबर है 38B है मेरा, और काफ़ी खाली प्लेन है, काफ़ी कम लोग जा रहे हैं इस प्लेन में, तो ये रीज़न मुझे भी नहीं पता थाईलैंड लोग कम क्यों जा रहे हैं। तो बैठते हैं गाइस हम यहाँ पे, और जैसे हमारी फूड की सर्विस शुरू होती है तो मैं बहुत जल्दी आपको फूड का दिखाता हूँ। बने रहिए वीडियो में गाइस, बहुत मज़ा आएगा, यू विल लव इट, ट्रस्ट मी। गाइस अगर मैं इस फ्लाइट की सीट्स की बात करूँ, काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स होती हैं गाइस इस फ्लाइट में, थाई एयरवेज में। आई मीन वन ऑफ द बेस्ट फ्लाइट्स है गाइस थाईलैंड जाने के लिए। अगर आपको थाईलैंड जाना है तो मैं तो आपको यही प्रेफर करूँगा। तो थोड़ी सी कॉस्टली होती है दूसरी फ्लाइट से, जैसे हमारी नॉर्मल इंडिगो या स्पाइस जेट है एयर इंडिया, उससे काफ़ी कम्फर्टेबल फ्लाइट है, थोड़ी महंगी भी है बट इसमें काफ़ी फैसिलिटीज़ मिलती है गाइस। 4 घंटे का सफ़र है, जैसे आप देख सकते हैं गाइस ये मेरी सीट है और फ्रंट में स्क्रीन लगी हुई है, और एक चीज़ बेस्ट है गाइस इसकी, इसके अगर आप साइड में देखेंगे गाइस ये एक रिमोट भी देते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस। इफ यू सी, ये एक रिमोट है जिसमें मेरे को सारा एक्सेस मिलेगा अपना यूज़ करने का, इसमें आप देख सकते हैं। और गाइस मुझे हेडफोन्स भी मिले हैं, तो अगर मुझे कोई मूवी देखनी है स्क्रीन पे या कोई गेम खेलनी है तो मैं इस रिमोट की हेल्प से वो कर सकता हूँ। तो ये बहुत अच्छा पार्ट लगा मुझे गाइस इस फ्लाइट का, आप बोर नहीं होंगे इस फ्लाइट में बिल्कुल भी। और बेस्ट पार्ट है गाइस इसका फूड, जैसे मैंने आपको बताया था, तो वो भी मैं आपको ट्राई करता हूँ जैसे ही आता है। और गाइस ये लीकर भी प्रोवाइड कराते हैं, और उसमें भी वेराइटीज़ जो होती है वो मैं आपको बताऊँगा कौन कौन सी वेराइटीज़ होती हैं। तो बने रहिए गाइस वीडियो में, जल्दी से मैं आपको दिखा दूँगा। गाइस जैसे आप देख सकते हैं कि फूड आ चुका है, आई एम लुकिंग फॉर नॉन वेजिटेरियन, या गाइस ये मेरी नॉन वेज ट्रे आ गई है। गाइस जैसे आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको उसकी बात करूँ तो ये आगे मेरी वाटर बॉटल, ये आगे गाइस एक सॉफ्ट सा बन, ये गाइस कैशनट्स दिए इन्होंने सॉल्टेड। अगर मैं मेन कोर्स की बात करूँ गाइस तो मैं आपको ये भी दिखाई देता हूँ क्या है इसमें। शुरू करता हूँ और साइड बाई साइड आपको फिर इसका रिव्यू भी देता हूँ मैं, कैसा लगा मुझे इसका। तो जस्ट वेट एंड वॉच। ओके गाइस, जैसे आप देख सकते हैं ये मेरा यूके का काउंटर आ गया है, और इसमें अगर आप बात करें तो इनके पास होती है ये रेड वाइन, दिस इज वाइट वाइन राइट, दिस वन इज वाइट वाइन। व्हाट एल्स यू हैव अपार्ट फ्रॉम दीज टू वाइन्स? कैन यू शो मी द व्हिस्की? गाइस ये होती है इनकी विस्की, ये विस्की की शॉट्स भी देते हैं। दिस वन इज व्हाट? कॉन्याक। ओके गाइस, जैसे आप देख सकते हैं कि ये कॉन्याक की बोतल है, ये भी दिया जाता है, कॉन्याक भी देते हैं ये लोग। दिस इज वोडका, एंड गाइस वोडका का भी ऑप्शन है यहाँ पे, तो आप सारी ड्रिंक्स इंजॉय कर सकते हैं। तो गाइस मैंने तो इनसे ली है, मैंने ली है वाइट वाइन, तो मैं वाइट वाइन ट्राई करूँगा फूड के साथ।
So you can give me white wine right now. Thank you. Sir. ये मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपना फूड रिव्यू एंड ये लेते हैं फिश. जैसे मैंने आपको कहा था कि ये इट्स अ लेमन फिश और ये मैं ले रहा हूँ इनके स्टिकी राइस होते हैं गाइस इनके. गाइस मैंने आपको बताया था कि सगाना बहुत अच्छा होता है और फिश बहुत ही फ्रेश है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा है इसका, बहुत लाइट है और राइस भी अच्छे हैं, बॉइल्ड राइस यूज़ किए हुए हैं. अब मुझे फिश तो नहीं पता है कि कौन सी फिश है, सोल फिश है, कौन सी फिश यूज़ करते हैं लोग, बट इट्स अ वेरी नाइस फिश, बहुत अच्छी फिश है. तो आई वुड रिकमेंड गाइस कि अगर आपको थाई एयरवेज में आना है, इफ़ यू आर अ नॉन वेज लवर, तो आप इनकी फिश ट्राई कर सकते हैं. इट्स वेरी गुड, वेरी नाइस. और गाइस अगर मैं इनके सैलेड की बात करूं, ये होता है इनका सैलेड, ये भी मैं कर दूँगा. दिस इज पाइनएप्पल, मिक्स ऑफ पाइनएप्पल एंड पोटैटो, इट्स वेरी गुड, ये बहुत अच्छी है गाइस. ये इनका एक और फेमस डेजर्ट है के बारे में मैंने काफी सुना था, कोकोनट केक. सो लेट मी ट्राई दिस आल्सो. बहुत ही फ्रेश है गाइस और अच्छा, बहुत अच्छा कोकोनट का फ्लेवर आ रहा है इसमें. यू मस्ट ट्राई डेजर्ट है गाइस, थाई एयरवेज का फ्रेश है गाइस, बहुत ही अच्छा गाना है, रश्मि एज एक्सपेक्टेड जैसे मैंने आपको बताया था. और गाइस लेट मी टेल यू दैट लीकर जो है वो आप अनलिमिटेड ले सकते हैं, आपने कोई मना नहीं करेगा आपको. व्हेनेवर यू वांट यू कैन आस्क फॉर इट एंड यू विल गेट इट. बहुत अच्छी सर्विस है फ्लाइट की, बहुत ही कंफर्टेबल फ्लाइट है. मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा जब भी आपको थाईलैंड जाना, ट्राई टू बुक थाई एयरवेज, वेरी कंफर्टेबल फ्लाइट. और गाइस एक चीज़ और दिखाने के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, एक मुझे स्वीट सा ब्लैंकेट भी मिला, एक छोटा सा बहुत ही सॉफ्ट ब्लैंकेट है. तो गाइस मैं फटाफट अपने फूड को खत्म करता हूँ और अपनी वाइन को खत्म करता हूँ और मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में. तो गाइस इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियो. थैंक यू वेरी मच गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.